सोलन के समीप मरियोग गांव में एक तेज रफ्तार कार 250 मीटर खाई में गिर गई। खाई में गिरने से दो युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। दोनों युवक राजगढ़ के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों युवक चंडीगढ़ से गाड़ी खरीद कर लाए थे और उसमें ही सवार होकर अपने घर जा रहे थे कि अचानक मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार गहरी खाई में गिर गई। अधिक जानकारी देते हुए मृतक के रिश्तेदार और गांव के उप प्रधान ने बताया कि उनके गांव में कुछ समय से बीते युवकों की दुर्घटना में ये चौथी मौत है, जिसकी वजह से सारे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। उन्होंने बताया कि मृतक भूपेंद्र और अरविंद चंडीगढ़ से अपने गांव जा रहे थे, तो उन्हें सूचना मिली कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वे तुरंत मौके पर पहुंचे तो पाया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में नया सत्र शुरू होते ही एबीवीपी और एसएफआई संगठन में मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। मारपीट की घटनाओं के चलते ही प्रिंसिपल ने 10 छात्रों को 15 जुलाई तक कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है और कॉलेज में किसी भी प्रकार के बैग लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्बाल के अनुसार मारपीट की घटनाओं में शामिल 10 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है ताकि कॉलेज का माहौल खराब ना हो। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में हमीरपुर कॉलेज में एक दर्जन के करीब मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कुछ घटनाओं में तो युवाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। इन मारपीट की घटनाओं में शामिल एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों में आपसी रंजिश के चलते लड़ाई हो रही है। लड़ाई झगड़ों में रोजाना कॉलेज परिसर में पुलिस का पहरा लगाया गया है ताकि अप्रिय घटना न घट सके। कॉलेज में छात्र संगठनों के द्वारा रोज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कॉलेज का पूरा माहौल खराब हो गया है। कॉलेज प्रिंसिपल हरदीप सिंह जम्बाल ने बताया कि कॉलेज में छात्रों में बढ़ रही मारपीट की घटनाओं के चलते ही कॉलेज में बैग लाने के लिए प्रतिबंध किया है। उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना में शामिल 10 छात्रों को 15 जुलाई तक कॉलेज से सस्पेंड किया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में पुलिस के पहरा लगाया गया है ताकि बाहरी शरारती तत्व कॉलेज में न घुस सके। वहीं एबीवीपी के पदाधिकारी ने बताया कि एसएफआई के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट की है, जिसमें कुछ छात्रों को गहरी चोटें लगी हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि एसएफआई कार्यकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एसएफआई के पदाधिकारियों ने एबीवीपी पर एसएफआई के छात्रों को तंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं, जिस कारण कॉलेज का माहौल खराब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रिंसिपल को भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि अगर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई ना हुई तो एसएफआई धरना प्रदर्शन करती रहेगी। सुंदरनगर के नर्मदा की हार्ट सर्जरी होगी, मगर पैसा ना होने के कारण सर्जरी कैसे होगी? नर्मदा व उसके परिजनों को ये चिंता सताने लगी है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का कार्ड भी नर्मदा के काम नहीं आया है, क्योंकि हार्ट सर्जरी आयुष्मान कार्ड के दायरे से बाहर है। मुख्यमंत्री के गृह जिला व सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली नर्मदा देवी पत्नी लाभ सिंह निवासी देरडू का परिवार बिन पैसे नर्मदा के हार्ट की सर्जरी नहीं करवा पा रहा है। सरकारी संस्थान आईजीएमसी शिमला के कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा जांच उपरांत नर्मदा के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार कर पैसे का इंतजाम करने को कहा है। हालांकि महिला मरीज के पास केंद्र सरकार के स्वास्थ्य स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन आईजीएमसी के अनुसार इसके अंतर्गत हार्ट सर्जरी का कोई लाभ नहीं मिल सकता। ये जानकारी देते हुए नर्मदा देवी के पति लाभ सिंह ने बताया कि वह प्राइवेट संस्थान में छोटी सी नौकरी करता है, जिससे घर की रोटी मुश्किल से चलती है, और आयुष्मान कार्ड तो है लेकिन आईजीएमसी में इससे मुफ्त इलाज का कोई प्रावधान नहीं है। लाभ सिंह का कहना है कि वे स्थानीय विधायक राकेश जम्बाल से भी इस संदर्भ में मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, जिसके चलते वे लोगों से मदद की भीख मांगने को मजबूर हैं। लाभ सिंह ने आम जन व सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि
फौरी इलाज के लिए उसकी मदद। IGMC शिमला के डॉक्टरों ने बताया हुआ है कि 375,000 रुपए जमा करवाएं, और हमने भी अपने विधायक जी से भी डिमांड की हुई है कि शिमला में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। मेरी फैमिली ना IRDP में है ना BPL में है, तो मैं खर्चा ये नहीं कर सकता, एक गरीब परिवार से हूँ।